चल दुआ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा 'अल्लमतनी व 'अल्लिमनी मा यन्फ़उनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ं वारज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलं वारज़ुक़ना इज्तिनाबहु। रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या 'अलीम। اللهم فقهنا في الدين، اللهم قوينا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة نمبر 95، سورة التين. تين کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انجیر، فگ، انجیر. اور یہ سورہ مکی سورہ ہے اور इब्ने अब्बास का थोड़ा सा इख्तलाफ है इसमें कि ये मक्की है या मदनी। स्टिल जो कंसेंसस है ज्यादातर लोगों का, जो इजमा इस पर है कि ये मक्की सूरा है, क्योंकि इसका अंदाजे बयान बताता है कि ये मक्की सूरा है। कोई अहकामात इसके अंदर नहीं है और किसी भी किस्म का मतलब बड़ी बड़ी तवील आयतें नहीं है जो कि मदनी सूरतों में जनरली होती हैं। छोटी छोटी आयतें हैं बिल्कुल एक रिदम के साथ, तो उससे कहा गया है कि ये मक्की सूरा है। अच्छा, अब इसके अंदर एक रुकू है और 8 आयतों पर ये मुश्तमिल छोटी सी सूरा है। हम पहले इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे, देन विल गो इनटू डिटेल इंशाल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। वत्तीनी, अब देखें अत्तीन के नीचे नून के नीचे जेर आ रहा है, ठीक है, तो ये वाव कसमिया है, ठीक है, कसम है तीन की यानी इंजीर की कसम, कसम है अंजीर की। व जैतूनी, और कसम है किसकी? जैतून की। व तूरी सीनीनी, सीनीना, व यहाँ पर भी कसम, ये लगातार कसमें चली आ रही हैं। कसम है अंजीर की और कसम है जैतून की और कसम है तूरे सीना की। व हाजल बलद अल अमीन, और कसम है इस अल बलद, हाजा मतलब ये अल बलद शहर, अल अमीन अमन वाले शहर की, और कसम है इस अमन वाले शहर की। कसम है अंजीर की और कसम है जैतून की यानी ओलिव, और तूरे सीना की, ये जो तूरे सीना जो पहाड़ था, सीना पहाड़, उसकी कसम। वहाजा, और इस अल बलद अल अमीन अमन वाले शहर की कसम। अब अल्लाह ने तीन कसमें उठाने के बाद जो मुकसम अलैह फरमाया है वो क्या है? لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، لقد لا البتہ قد تحقیق، البتہ تحقیق بے شک یقینا، خلقا پیدا کیا نا ہم نے، الانسان انسان کو، فی احسن تقویم، فی میں، احسن بہترین، بہتر تو حسنا ہوتا ہے نا، احسن بہترین تقویم ساخت پر، بہترین مطلب سٹرکچر پر پیدا کیا، अलबत्ता तहकीक बेशक यकीनन पैदा किया है हमने इंसान को, की आसनी तकवीमी बेहतरीन साख्त में, मतलब सबसे बेहतर मोल्ड में उसको ढाला है। तो माँ, फिर रददा रद किया, लौटाया ना हमने उसको, फिर लौटाया हमने उसको असफल साफिलीन, असफल साफिलीन असफल, ये अफ़अल पैटर्न पर है। असफल सफला का मतलब, सुफल का मतलब होता है नीचे, और असफल का मतलब होता है बहुत नीचे, यानी सबसे नीचे, साफिलीना निचलों में सबसे नीचे। फिर लौटा दिया, पलटा दिया ना हमने उसको, यानी किसको? की जमीर इंसान की तरफ है। असफला सबसे नीचे, साफिलीना नीचे वालों में, यानी ईना आ रहा है ना जो प्लूरल फॉर्म है, साफिलीना जो सब निचले वालों में सबसे नीचे उसको लौटा दिया। एक्सेप्शन क्या है? इल्ला लज़ीना, इल्ला सिवाय अल्लज़ीना उन लोगों के, सिवाय उन लोगों के, आमनु जो लोग ईमान लाए, वह और अमिलु वावलिक उन सब ने अमला अमल किए, अस्सालिहात नेक, फलहुम फाफिर ला लिए हुम उनके, फिर उनके लिए है अजरुन अजर यानी रिवॉर्ड बदला, गैरु ना ममनून मना किया जाने वाला, जो रोका ना जाएगा, जो खत्म ना होगा, खत्म ना होने वाला अजर है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन सब ने अमल किए नेक, तो उनके लिए है अजर
ना खत्म होने वाला ना मना होने वाला। फमा फा फिर, माँ क्या, फिर क्या है, युकज्जिबु का, या वो कज़बा झुटलाते हैं का आपको, बादु बिद्दीन बाद इसके के, बिद्दीन बदले के दिन मौजूद है, यानी फिर क्या हो गया है उन लोगों को कि झुटला देते हैं आपको जबकि उनको पता है किसके बारे में, अद्दीन यानी बदले का दिन। दीन के तीन मीनिंग है ना, दीन का पहला मीनिंग है रिलीजन यानी मजहब, एक मीनिंग होता है इसका बदला दैट इज जजमेंट, और एक दीन का मतलब होता है वे तरीका, है ना। यहाँ पर जो है जजमेंट के मतलब उसमें आ रहा है। सॉरी, हाँ ये आपको नहीं, ये बदले के दिन को झुठलाने की बात हो रही है। आई सेड आपको, फिर माँ क्या का है तेरे लिए, यानी क्या हो गया है तुझको, या वो कज़बा झुठलाता है, बादु बिद्दीन बाद इसके के, बिद्दीन दीन को, बदले के दिन को वो क्या करता है, झुठला देता है। तुम बदले के दिन को क्यों झुठलाते हो, यानी अल्लाह सुबहान तआला सवाल कर रहे, फिर क्यों तुम बदले के दिन को झुठलाते हो, तो क्या चीज आमादा कर रही है कि झुठला देता है तू बदले के दिन को। यानी ये बादु बिद्दीन ये एक तरीका है बोलने का, इट्स अ वे ऑफ स्पीकिंग इन अरबिक, ठीक है। तो हम कुछ वर्ड्स के ट्रांसलेशन करते हैं तो वो से प्रॉपर तर्जुमा नहीं निकल पाता। अगर हम इसको बाद यहाँ पर यूं ले सकते हैं कि जब तुझे पता है बदले का दिन, उसके बाद तू कैसे झुठला सकता है, ठीक है। ये इस सेंस में बात हो रही है। पमा पा फिर, माँ क्या चीज आमादा करती है, या झुटलाने, या वो कज़बा झुटलाती, झुटलाने पर का तुझको, बादु बाद यानी कि जानने के बाद, बिद्दीन दीन को यानी बदले के दिन को जानने के बाद, तुझे कौन सी चीज आमादा करती है झुटलाने पर इसको, बदले के दिन को। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, आ क्या लैसा नहीं, अल्लाहु अल्लाह बी अहकमिल हाकिमीन, बी है अहकम अफाइल पैटर्न पर, अहकम सबसे बड़ा हाकिम, अल हाकिमीना हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम क्या नहीं है अल्लाह, हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम, अहकम अफअल पैटर्न पर है। एक मरतबा और देखें पहले तर्जुमा। वत्तीनी वज़ैतून, कसम है इंजीर की और जैतून की यानी फिग एंड ऑलिव। वतूरी सीनी, कसम है तूरे सीना की। वहाजल बलदिल अमीन, और कसम है इस अमन वाले शहर की। लकद खलकनल, अलबत्ता तहकीक यकीनन बेशक, खलका पैदा किया ना हमने, अल इंसाना इंसान को, फी अहसनी तकवीम बेहतरीन साख पर, बेहतरीन मोल्ड में उसको ढाला है। तुम्मा फिर, रददना लौटा दिया हमने उसको, निचलों में सबसे निचलों में, असफला सबसे निचलों में, साफिलीन निचले लोगों में सबसे नीचे लौटा दिया, फिर लौटा दिया हमने उसे सबसे नीचे निचले लोगों में, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन सब ने अमल किए ने, तो उनके लिए अजर है ना खत्म होने वाला ना मना होने वाला। फिर क्या चीज आमादा करती है कि झुटला देता है तू इसके बाद कि तू जानता है बदले के दिन को, ठीक है, यानी कि सारी नॉलेज होने के बाद तू बदले के दिन को कैसे झुटला सकते हो। अलैहिस्सल्लाहु, क्या नहीं है अल्लाह, बिअहकमिल हाकिमीन, हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर बेसिकली जो कस्में खाई हैं तीन की, जैतून की, ये यहाँ पर इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। अब जैसे हमने आपको बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे बिफोर नबुआ, यानी 40 साल की जब उम्र थी उसे पहले ही 3 साल पहले से आप गारे हिरा में जाना शुरू कर दिया था। और वो क्यों जाते थे, मराकबा मेडिटेशन यानी कि एक तरीके से गौर व खौज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा गौर व फिक्र करते थे, क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सोसाइटी में रह रहे थे वहां पर क्या हो गया था, इखलाक की पस्तियां आ गई थी। एक दौर था, एक जमाना था जब इनके अखलाक जो थे बहुत बुलंद हुआ करते थे, फिर इनके अंदर क्या आने लगे, लूट खसोट, इसका माल ले लो, उसको गजब कर लो, उसके तिजारती काफले लूट लो, कुछ भी, मतलब जो जैसे मेरी सही हो जाए, मतलब मेरा जो माल है, मतलब सॉरी मेरा मामला जो है वो दुरुस्त हो जाए चाहे उससे किसी को कितना नुकसान हो जाए।
तो इतनी ज्यादा पस्तियां, अब हमारा माहौल देख लें, बिल्कुल वही माहौल है जो मक्का का माहौल था उस दौर में। तो हर तरफ से क्या हो रहा था, फितने 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 फितने, हर चीज में फितने। यानी कोई सामान खरीदने जाओ तो उसके अंदर कोई डंडी मार रहा है, कोई आप मतलब किसी से बात करो उसको बात करने की तमीज नहीं, ना बच्चों में तमीज है बड़ों से बात करें, ना बड़ों को ये सलीका रहा कि वो बच्चों को कैसे समझाए, मतलब हर चीज में पस्ती आ गई। तो ऐसा ही कुछ माहौल जो था वहां पर, फिर गुलामों पर ज्यादती हो रही है, कमतर लोगों पर ज्यादतियां हो रही है, ये सारा कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बहुत ज्यादा क्या होती थी, तकलीफ होती थी। और वो तकलीफ जो होती थी उसके बाद वो जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते थे वहां पर बैठकर, मतलब कि अकेले में, कि मैं ऐसे माहौल में रहना ही, मेरा दिल घबराने लगा है यानी इस माहौल में। तो क्या करने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलग सेक्लूजन में जाने लगे और गौर करने लगे कि कुछ तो इसका सोल्यूशन हो कि जिसके जरिए से इसको क्या कर दिया जाए, इसकी इसलाह कर दी जाए। और जब इंसान इस तरीके के माहौल को देखता है तो उसको क्या लगता है कि इंसान में तो कोई खैर ही नहीं लगती, कोई खैर नहीं है, मैं जहां देखता हूँ मुझे कोई खैर ही नजर नहीं आती। जहां निगाह उठा, शर 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 शर, हर कोई एक दूसरे का गला काटने को तैयार है, कोई किसी का साथ देने को तैयार नहीं, भाई भाई का नहीं है, सब नफरी नफरी का आलम सारी जगह फैला हुआ है। तो एक जो अक्ल और फहम वाला इंसान है वो क्या कंक्लूड करेगा, इंसान तो बड़ा क्या है, शर पसंद है, वो तो बदतरीन मखलूक हो गया है, इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई खैर बाकी ही नहीं रही। अब कोई अगर इस लेवल पर पहुंच जाए कि वो ये सोचने लगे कि इंसान में कोई खैर बाकी ही नहीं रही, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जो पस्ती की तरफ दिल जा रहा है, डूब रहा है दिल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दिल को तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, ऐसा नहीं है कि खैर नहीं है, तुम्हारा रब कसमें उठा रहा है। किसकी कसम उठाई, सबसे पहली कसम वत्तीनी, अंजीर की कसम। अब ये बेसिकली कसम तो अंजीर की खाई जा रही है, लेकिन कसम है ये नूह अलैहि सलाम की जगह जहां पर अंजीर कसरत से उगा करती, ठीक है। तो ये कसम है उस शख्स की, नूह अलैहि सलाम की जगह की कसम। व जैतूनी, और जैतून की कसम। अब ये जैतून क्या है, द सर्मन ऑफ द माउंट, जो ईसा अलैहि सलाम ने जो खुतबा खुतबा वगैरह दिया, तो यहाँ पर जैतून जो है, और वो पहाड़ी को भी जैतून नाम दिया गया था, तो उस पहाड़ी की कसम, मतलब उस जैतून वाली जगह जहां पर ईसा अलैहि सलाम बॉर्न हुए, उस जगह पर जहां पर ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए, वह तीन नूह अलैहि सलाम की जगह की कसम, और जैतून और ईसा अलैहि सलाम की जगह की कसम, वह तूरी सीनी, और तूरे सीना किसका है, मूसा अलैहि सलाम की जगह की कसम, वहादल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर की कसम। यहाँ पर कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इन चार कसमों को उठाने के बाद अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, यकीनन हमने पैदा किया इंसान को बेहतरीन साफ पर। क्या तुम एग्जाम्पल नहीं देख रहे हो, नूह अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम और मूसा अलैहि सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सबसे ऊंचे कैटेगरी के लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंसान के अंदर शर भर गई है, खैर के मामलात भी हैं, कुछ लोग जो है खैर के आला तरीन दर्जों पर फायज हैं। तो अल्लाह ने उन लोगों के एग्जाम्पल्स दिए कि देखो ऐसे गमगीन होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने अब भी खैर उसमें बाकी रखी है। अगर शर होगी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खैर बाकी है, इसीलिए अभी दुनिया कायम है। तो अल्लाह ने फरमाया इन तीन कस्में उठाने के बाद, एक्चुअली में चार चार कस्में खाने के बाद, और चार लोगों की एक्चुअली में कस्में खाई जा रही हैं कि इंसान तो बेहतरीन ताक पे पैदा हुआ है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन लोगों पर गौर करो, क्या तुम्हें इसमें कोई शर दिखाई देता है इन लोगों में। यानी देखें, एक इंसान का हैवानी वजूद है और एक एक जो एक हैवानी वजूद है और एक रूहानी वजूद है। रूहानी वजूद जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बहुत बुलंद और मुबर्रा इन तमाम चीजों से बनाया, बहुत पाक और मुकद्दस होता है रूहानी वजूद जो होता है। हैवानी जो वजूद होता है उसके अंदर डिजायर, शहवात, वो सारी चीजें होती हैं जो कि हैवान से रिले मतलब मैच करती हैं। रूहानी वजूद फरिश्तों से मैच करता है, समझ रहे हैं आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके माबैन बनाया इंसान को, जिसको दोनों वजूद दे दिए, हैवान को सिर्फ हैवानी वजूद दिया। अब उसका काम क्या है, खाना पीना, अपनी शहवत को पूरी करना और सो जाना, यही काम है। फरिश्तों का काम क्या है,
सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमा बरदारी और फरमा बरदारी, इन दोनों के दरमियान इंसान को बनाया और उसको इख्तियार भी दिए कि तुम किसकी तरफ बढ़ना चाहते हो, राइट। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने तो इंसान के वजूद को बेहतरीन साख पर पैदा किया, उसका जो नफ्सियाती, उसका जो रूहानी वजूद है वो बेहतरीन है, तुम्हारे रब ने उसको बेहतरीन पैदा किया है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं अपनी रूह की तरफ मेहनतें करते हैं, मेहनत हर इंसान अलग अलग करता है, जिसकी जो जिस चीज की तरफ लग जाता है वो उसी डायरेक्शन में मेहनत करता है। तो अल्लाह ने फरमाया हमने तो पैदा अच्छे साख पर किया, और हर इंसान जब पैदा होता है तो कैसे पैदा होता है, फितरत पर, असल जिबिल्लत पर पैदा होता है, उसके वो इन बिल्ड उसके अंदर खैर रखी हुई होती है, कभी वो शर पर पैदा नहीं होता, वो कोई गुनाह करके पैदा नहीं होता। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट है कि अब चाइल्ड बॉर्न विद अ सिन, अब वो जो बच्चा पैदा होता है वो गुनाह के साथ पैदा होता है, इसीलिए उसको बैप्टाइज करके धुलाया जाता है, नहलाया जाता है और फिर वो पाक होता है तो वो क्रिश्चियन बनता है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब बच्चा पैदा होता है वो फितरत पर पैदा होता है। फितरत का मतलब क्या है, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मारिफत देकर भेजा होता है। हाँ, अलबत्ता उसके माँ बाप उसको यहूदी नसारा मुसलमान जो चाहे बना देते हैं, यानी उसके माँ बाप जैसे ट्रेनिंग देंगे वो वैसा बन जाता है, लेकिन अल्लाह ने तो फितरत देकर पैदा की है। जब भी तो लोग बाद में बड़े होने के बाद कन्वर्ट कैसे होते हैं, वो असल फितरत पर आ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो अंदर कहीं ना कहीं अपनी मारिफत, अपनी पहचान रख दी है। इंसान को बेचैन रखती है, जब तक कि वो अपने खालिक को नहीं पहचानता वो बेचैन रहता है, और जिसको पहचान हो जाती है वो मुतमईन हो जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया हमने तो इंसान को बेहतरीन साख पर पैदा किया, लेकिन ये इसका हैवानी वजूद है जो इसको क्या करता है, क्या बना देता है, असफल साफिल। साफिल मतलब ये वो जो हम उसमें पढ़ा था हमने, बल हुआ कल आना बल हम अदल, वो ऐसे हैं जैसे के चौपाए जानवर, लेकिन कुछ तो उनसे भी गए गुजरे पत्थर हैं। यानी चौपायों को तो ये पता है कि उनको जो काम दिया है वो कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान को पता है कि मुझे ये काम नहीं दिया गया है कि मैं खाली क्या करूं, आऊं जाऊं खाऊं पीऊं मजे करूं और यही जिंदगी गुजारूं, इंसान का काम नहीं है। जब इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया तो उसको कुछ ना कुछ काम देकर भेजा है। अब वो कम अज कम वो जानवर तो अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, जो उसको देकर भेजा अल्लाह ने, जो उसको सिखा कर भेजा वो कर रहा है। तो इंसान अगर सिर्फ हैवानी काम करता रह गए तो वो तो क्या बन गया, उनसे भी बदतर बन गया। तो वहां हमने कुरान में पहले पढ़ लिया था, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तो बेहतरीन बेहतरीन तरीन सूरत पर पैदा किया, लेकिन इंसान है असफल, सबसे नीचे झुका चला जाता है, यानी अपने रूहानी वजूद को फीड नहीं करता, अपने रूहानी इंस्टिंक्ट को बढ़ाता नहीं है, बल्कि जो एनिमल इंस्टिंक्ट है उसको ज्यादा प्रमोट करता है, उसको ज्यादा क्या करता है, मोटा फरबा बना देता है, जिसकी वजह से वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको इख्तियार दिया है, जब इंसान अल्लाह की फरमा बरदारी करना शुरू कर देता है तो अल्लाह उसको मस्जूद मलाइक बना देते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मामलात फरिश्तों से भी ऊंचे उठा देते हैं, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियों पर उतर आता है इंसान तो वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है, क्योंकि इसका मामला इख्तियार वाला है। अब ये चूज करे कि मुझे जानवरों से बदतर बनना है या फरिश्तों से भी अफजल बनना है। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने पलटा दिया उसको असफला, बहुत नीचे साफिलीन, निचले लोगों में भी सबसे नीचे। इन निचले लोग कैसे हैं, जमीन पर रेंगने वाले ये सारे जो जानवर हैं, ये जानवर सब निचले कैटेगरी के माने जाते हैं ना, इंसान को अशरफ माना जाता है, ये सब निचलों से भी बदतर है। फिर अल्लाह ने क्या कहा कि अब इसका कुछ सोल्यूशन भी तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि सब निचले ही हो गए। तो अल्लाह ने कहा अब ये निचलाई में जाने से अगर तुम बचना चाहते हो तो यहाँ पर दो काम कर लो, कि दो कैटेगरी, दो आजमाइश इससे गुजर जाओ। तो जब इस आजमाइश की भट्टी से गुजरोगे, यानी कि तुम ईमान ले आओगे और साथ में क्या करोगे, यानी तुम्हें अल्लाह की पहचान जब हो जाएगी और फिर उसके साथ तुमने नेक अमल अगर करना शुरू कर दिए, तो तुम इसके इस ये जो असफल की कैटेगरी में से निकल कर बाहर आ जाओगे, फिर तुम्हारे लिए क्या है मामला, ना रुकने वाले ना खत्म होने वाले अजर हैं। अब देखिए, जब अल्लाह ने बता दिया कि शर और खैर दोनों ही चीजें हैं, इंसान कभी आहसन तकवीम पर होता है, कभी असफल साफिलीन पर होता है, तो मामला क्या है, दो कैटेगरी वाला निकल आया,
कि कोई तो बहुत नेक हो गया, कोई बद हो गया। अब जब नेक और बद है तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ हिसाब किताब भी तो होना चाहिए। जो नेकी कर रहा है तो वो रिवॉर्ड चाहता है, और जो बदी कर रहा है उसको अल्लाह ने सजा देनी है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, इंतजाम होना चाहिए उन सबके मामला की रिवॉर्ड देने का। अब वो निजाम क्या है, अद्दीन, वो बदले का दिन है, जिसके अंदर जो आसन तकवीम वाले जो अपने मतलब रूहानी वजूद को क्या करते हैं, परवान चढ़ाते हैं, अल्लाह उनको बदले के दिन में ऐसे अजर देगा जो कि खत्म ना होंगे। और उसी के बरअक जो लोग क्या करते हैं, ये आसन तकवीम तो अल्लाह ने तो पैदा किया, लेकिन वो अपने आप को हैवानों से भी बदतर बनाना चाहते हैं, तो बदले के दिन के अंदर उनका मामला क्या होगा, मतलब वो अजाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया फिर कैसे जुटला सकता है वो शख्स जो जानता है कि खैर और शर है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नतीजा भी होगा। अब नतीजा है तो वो बदले का दिन भी होगा, क्योंकि एक रिजल्ट डे भी होता है जिसमें बता दिया जाता है कि इसका ये नतीजा निकला। क्या इंसान को ये खबर नहीं है कि उसका रब सबसे बढ़कर हाकिमों से हाकिम है, यानी फैसला करने में सबसे ऊंचा और बुलंद तरीन है, यानी वो बदले के दिन में लोगों का फैसला कर देगा कि कौन अपनी फितरत को सलामत लेकर कल्बे सलीम लेकर आया है, और कौन है जिसने हैवानी इंस्टिंक्ट को बढ़ाकर अपने आप को बर्बाद कर दिया। वो उस दिन क्या कर देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला कर देगा। ठीक है, एक मर्तबा और देखें सूरा को, देन विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। वो तीन ही जैतून, कसम है इंजीर की और जैतून की और तूरे सीना की कसम, और इस अमन वाले शहर की कसम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की कसम, यकीनन अलबत्ता तहकीक, बेशक पैदा किया है हमने इंसान को बेहतरीन साख पर, फिर लौटा दिया हमने उसको सबसे नीचे निचले लोगों में, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, उन सब ने अमल किए नेक, तो उनके लिए अज्र है ना खत्म होने वाला ना मना होने वाला। फिर क्या चीज आमादा करती है कि झुठला देता है तू इसके बाद कि तू जानता है बदले के दिन को, यानी सारे इल्म के बाद कैसे बदले के दिन को तू झुठला सकता है, क्या नहीं है अल्लाह सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला फैसला करने वालों में। ठीक है, चलो रिपीट कर लें।